ये ऐसे खाली पड़ा था, बैठते ही म्यूजिक बजने लग गया इसमें। टच करने से आपको मनी मिलती है। स्टेयर्स आप देख रहे हैं, ये बहुत बिजी रहती है फोटो खिंचवाने में। मैंने पूछा इनसे, मैंने कहा लड़कियां बहुत सारी दिख रही हैं यहाँ पर। सो भाई अभी हम पहुंचे दाना मॉल, जो कि मिन्स्क का बिगेस्ट मॉल है। मम्मी कह रही है परियां है ये, परियां है, इतनी सुंदर है, सब परियां हैं। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और इस वक्त हम हैं बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क में और आज हम घूमने वाले हैं मिन्स्क सिटी को। और मेरे साथ हैं मेरी माता जी, जिनको इंग्लिश समझ नहीं आ रही, और यूलिया जो हमारी गाइड है, आज हमें घुमाएंगी। फादर साहब जो कैमरे के आगे आने में शर्माते हैं, और युगनी जो कि बेलिन ट्रैवल से हैं, इन्होंने भी हमारे को यहाँ पर बुलवाया है, इन्होंने ही हमारा वीज़ा वगैरह कराया था। तो बेलिन ट्रैवल बहुत ही बढ़िया कंपनी है, इनके वीज़े कहते हैं कभी फेल नहीं होते। थैंक यू युगनी। और हम रुके हुए हैं होटल यूरोप में। ये बिल्डिंग है सिटी सेंटर में होटल यूरोप की, और ये बेलारूस का सबसे पुराना होटल है, और कहते हैं कि बेलारूस का फर्स्ट फाइव स्टार होटल है। सबसे पुराना नहीं, फर्स्ट फाइव स्टार होटल है मिन्स्क का, और कह सकते हैं कि बेलारूस का भी। और ये है खुली खुली सड़कें मिन्स्क की, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत सिटी है मिन्स्क बेलारूस। और हमारी गाइड ने बताया कि अगर आपको ये क्रॉस करनी है रोड्स, तो आप ग्रीन जो पेडेस्ट्रियन लाइट होगी उसी पे करना, नहीं तो यहाँ पे पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है और आपको फ़ाइन हो सकता है। और बीच में से भी नहीं करनी, इधर से ही करनी है, पेडेस्ट्रियन जहाँ पर रेड लाइट है वहीं से क्रॉस करना है, बीच में से कहीं कभी क्रॉस नहीं करना। तो चलते हैं मिन्स्क सिटी को देखने, फोटोग्राफी। तो भाई सबसे पहले हम आए हैं ओल्ड टाउन मिन्स्क, जो कि हमारे होटल के बहुत ही पास में है। ये है सारा ओल्ड टाउन एरिया, और यहाँ से खड़े होके बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भी दिखता है मिन्स्क सिटी का। और कहते हैं कि यहीं से मिन्स्क सिटी बसना शुरू हुआ था। आपको शायद ये येलो वाली एक बिल्डिंग दिख रही होगी, सिंगल स्टोरी जो है। यहाँ पर पहले एक ओल्ड कास्टल था जो कि जल गया, लकड़ी का बना होता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा जंगल है। 1/3 कंट्री जंगलों से घिरी हुई है बेलारूस, और यहाँ पर लकड़ी के घर हुआ करते थे, वो जल गया। ये बिल्डिंग जो है वो नई है, लेकिन पहले यहाँ पर कासल होता था और लोग बाग यहाँ पर घर वगैरह बना रखे थे, यहाँ ओल्ड सिटी में रहा करते थे। और ये कुछ नया आर्किटेक्चर है आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू में बहुत नुकसान हुआ था बेलारूस को और मिन्स्क को। वर्ल्ड वॉर टू 1945 तक रही, और 1945 तक बहुत सारा इस शहर का और इस देश का नुकसान हो चुका था। और ये है एक ऑर्थोडॉक्स चर्च बेलारूस मिन्स्क की, पुरानी चर्चों में से एक यहाँ की, और ये मेन चर्च है यहाँ की। बेसिकली जो रिलीजन है बेलारूस का वो है क्रिश्चियनिटी, और मेजॉरिटी जो है वो है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की, और यहाँ पर लगभग 80% ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है बेलारूस में। और एक ये आर्किटेक्चर है जो कि 300 साल पहले एक ओल्ड चर्च थी यहाँ पर, लेकिन अब ये चर्च नहीं है, अब ये बंद कर दी गई है। जिसके ऊपर ऐसे सन वाला वो दिखे, समझ लो आपके वो चर्च बंद हो चुकी है। जिसके ऊपर क्रॉस हो वो चर्च वर्किंग है। और इसके साथ में है यहाँ पर एक ये ओल्ड मोनेस्ट्री, यहाँ पर पहले मॉन्क हुआ करते थे, पूजा पाठ करते थे, रहते थे, और अभी ये मॉन्स्ट्री की होटल बन चुका है यहाँ पर। और कहते हैं कि यहाँ पर एक मॉन्क की आत्मा भी घूमती है इस रोड पे, कभी कभी देखने को मिल जाती है लोगों को। ये बेंच है, ये ऐसे खाली पड़ा था, बैठते ही म्यूज़िक बजने लग गया इसमें, और डैडी देख रहे हैं कि कहाँ से बज रहा है ये म्यूज़िक। वाकई भाई कलाकार ही है, कहीं अंदर छुपा हुआ है, क्या है, स्पीकर है, ढूंढ लिया डैडी ने। बढ़िया भाई। एक ये मॉन्यूमेंट है जो कि बहुत ही पॉपुलर है यहाँ पर मिन्स्क में, और बहुत ही लोग यहाँ पर इसको देखने आते हैं। हम कल से देख रहे थे, क्योंकि हमारा जो होटल है वो बिल्कुल इधर है सामने, और कल भी हम आए थे घूमते हुए माता जी पिताजी, और यहाँ पे देख रहे थे। कल हमें पता नहीं था कि एक्चुअली क्या है, आज पता लग गया। ये ट्रेड सेंटर हुआ करता था, लोग खरीद फरोख्त करने यहाँ आते थे। ये ट्रेडर्स का वो बना हुआ मॉन्यूमेंट, और यहाँ पर जो ये पोटली सी है
कहते हैं कि इसको टच करने से आपको मनी मिलती है, मतलब ऐसा इनका बिलीव है। और नीचे सिक्के बने हुए हैं कुछ, तो अगर आप जितने भी सिक्कों पे चलेंगे उतने सिक्के आपको मिल जाएंगे, ऐसा माना जाता है। ऐसे टच करके वो अपने पास ले जा रहे हैं। हमारी इंडियन माता कह रही है लोग सिक्के चढ़ा रहे हैं, चढ़ा दोगे तो ज़्यादा मिल जाएंगे, चढ़ा दो कुछ सिक्के, वहाँ कोई जगह नहीं है। Today the place is very busy. So, संडे का दिन है, थोड़ी चहल पहल है यहाँ पे। कहते हैं अगर मंडे वगैरह आते हैं तो कोई नहीं दिखता। वैसे भी आबादी बहुत कम है, 1 करोड़ से भी कम आबादी है पूरे बेलारूस की, लगभग 95-96 लाख ही आबादी है पूरे देश की, और कुछ बाहरी लोग रह रहे हैं यहाँ पर आकर, तो कुछ आबादी उनकी है। और एक ये भी इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट है, मिंस्क का हॉर्स मोन्यूमेंट। ये पहले जब कार वगैरह नहीं होती थी तो लोग ये रथ का यूज़ किया करते थे। और इस एरिया से आप ले सकते हैं अपने लिए सोवेनियर्स, और फ्रिज मैग्नेट भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है यहाँ पर, मतलब 90 इंडियन रुपीस से लेकर 150 इंडियन रुपीस में आपको फ्रिज मैग्नेट मिल जाएगी, मतलब कि यहाँ के 3 बेलारूसियन रूबल्स। तो आप और भी सोवेनियर्स ले सकते हैं यहाँ पर। और हमने लिया है कि ये वाला मैग्नेट। सुबह डैडी को एक सिक्का मिल गया, हर बात पे सिक्का निकाल लेते हैं, कहते मैं दूंगा पैसे। पानी की बोतल ली हमने जो कि हमें पड़ी है लगभग 50 इंडियन रुपीज़ की। बेलारूसियन मनी देखोगे ना आप तो ऐसा लगेगा जैसे यूरो है, और इनके नोट्स भी यूरो की तरह हैं, और कुछ ये ओल्ड नोट्स हैं इनके पास कलेक्शन में। और ये है बाइसन, बाइसन यहाँ का नेशनल एनिमल है, और ये पुराने पुराने नोट्स वगैरह इन्होंने कर रखे हैं इकट्ठे, ये भी ओल्ड है। ओपरा, ओह इट्स मोर ओल्ड, हाँ 1991। और अभी कुछ ऐसे दिखती है बेलारूसियन मनी। सबसे बड़ा नोट होता है शायद 200 का, फिर 100, फिर 50, और ये पहले ऐसी थी। तो भाई ये है मिंस्क ओल्ड टाउन का स्क्वायर, और ये एक ओल्ड बिल्डिंग है जो कि लगभग 400 साल पुरानी है, और ये हुआ करता था टाउन हॉल, सिटी हॉल, जहाँ से यहाँ की पूरी गवर्नेंस चला करती थी किसी टाइम में। इसके सामने है ये मॉन्यूमेंट, ये यहाँ के मेयर का मॉन्यूमेंट हुआ करता था। और कहते हैं कि अगर आप इस की को टच करोगे तो आपका फर्स्ट स्टेप होगा, आपको पार्टनर मिलेगा मिंस्क में। भाई हमारे पास ऑलरेडी पार्टनर हैं, आप कभी आए जिसको पार्टनर चाहिए हो मिंस्क में तो इसको आप टच कर सकते हैं की को। माता ने पकड़ ली चाबी। इसको पकड़ने से यहाँ पार्टनर मिल जाता है। आए डर गई, पार्टनर लो भाई, मिल गया पार्टनर, हाथ के हाथ ही मिल गया। कह रही है तुझे तो रहने दो, अब मत लगाओ हाथ। भाई ये रशियन है, और ये स्पेशल बस से उतर के मिलने आए हमसे, कहते यार इंडियन बहुत पसंद है मुझे, एक दिन इंडिया आना है, तो इन्हें वेलकम किया, बहुत अच्छा लगा यार मिलके, मतलब स्पेशल बंदा इंडियन को देख के आया। थैंक यू भाई दुनिया वालों हमसे प्यार करने के लिए, और रशियंस हमें बहुत प्यार करते हैं ऑलरेडी। और ये एक चर्च जो कि मेन कैथोलिक चर्च है मिंस्क की, लगभग 300 साल पुरानी है। और मिंस्क में जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर ज़्यादातर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, तो कैथोलिक क्रिश्चियंस के लिए ये मेन चर्च है यहाँ मिंस्क। सो भाई अभी हम जा रहे हैं कहीं और टैक्सी आई है हमारे को लेने के लिए। ये जो टैक्सी है वो टूर कंपनी वालों ने भेजी है, बेलिन ट्रैवल। भाई देखो सीट बेल्ट रिक्वायर्ड है, कहीं इनको देख के आप यहाँ और लगाओ ना। वैसे तो इंटरनेशनल जो लाइसेंस था उस पर कहीं भी बेलारूस नहीं लिखा हुआ था, इंटरनेशनल लाइसेंस भी है मेरे पास, लेकिन जो अपना इंडियन लाइसेंस है कहते हैं वो चल जाता है, बट उसको ट्रांसलेट करवाना पड़ता है बेलारूसियन लैंग्वेज में। और यहाँ की दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक बेलारूसियन और एक रशियन। ये रिवर साइड है मिंस्क, और यहाँ पे है इसके सामने ये मॉल, गैलेरिया मॉल, बहुत ही फेमस मॉल है यहाँ पे, सब लोग जानते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सिटी सेंटर के अंदर है, तो यहाँ पर शाम को बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आते हैं, घूमते फिरते हैं, दिखते हैं। तो भाई अभी हम उतरे हैं मिंस्क के ओल्ड टाउन के दूसरे पार्ट में, और ये है ओल्ड टाउन, अभी देखेंगे चल के। और इसके सामने है एक मॉन्यूमेंट, आइलैंड ऑफ टीयर्स। तो थोड़ी सी हिस्ट्री इस मॉन्यूमेंट के बारे में, ये मॉन्यूमेंट बना है उन सोल्जर्स की याद में जो 1989 से पहले अफगानिस्तान वॉर में शहीद हो गए थे। 1991 से पहले
बेलारूस सोवियत संघ का पार्ट हुआ करता था, और जो भी बेलारूशियन गए थे अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की तरफ से लड़ने और शहीद हो गए थे, उनकी याद में ये मेमोरियल बनाया गया है। आइलैंड ऑफ टियर के नाम से जाना जाता है इस मेमोरियल को। और ये चैपल के ना चारों तरफ ऐसे ये मॉन्यूमेंट बने हुए हैं लेडीज़ के, जो कि होप दर्शाते हैं। जो यहाँ के लोग गए थे वॉर में, उनके आने की आशा में ये लेडीज़ों के मॉन्यूमेंट बनाए गए। जिन्होंने हाथ मुंह पे रख लिया है या मुंह छुपा लिया है, इट मींस उन्होंने अपने जो भी हैं प्यारे को खो दिया है। कोई माँ का स्टैचू है, कोई बहन है, कोई गर्लफ्रेंड है, कोई फ़ोटो वगैरह लेके खड़े हैं हाथ में, मतलब दर्शाने के लिए कि भाई आ जाओ पास हो। तो ये चारों तरफ से ऐसे ही मॉन्यूमेंट बने हुए हैं। और इस चैपल के अंदर यहाँ पर लिखे हुए हैं भाई उन शहीदों के नाम जो शहीद हुए थे वॉर में। चैपल बना रखी है भाई, कॉइन स्वीट डालते हैं यहाँ पर। और ये हर नाम के साथ ना कैंडल लगी हुई है, ताकि इनके जो भी बच्चे वगैरह हैं, जो भी इनकी संतानें हैं, वो आके यहाँ पर श्रद्धांजलि दे सके कैंडल के द्वारा। और ये एक क्राइंग एंजल है, जो कि बनाया गया उन लोगों की याद में जो अफगानिस्तान से वापसी यहाँ लौटे, लेकिन जख्मों की वजह से यहाँ पर आके वो शहीद हो गए हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म सा है, ये रनवे का एक पीस है जो अफगानिस्तान में रनवे हुआ करता था USSR का उस वक्त उसका। तो लोग बगाते हैं अपनों की याद में, अपने दोस्तों की याद में यहाँ पर ड्रिंक वगैरह करते हैं, कुछ रख भी जाते हैं उनके लिए। और जो ये पत्थर हैं उन पे अफगानिस्तान के जहाँ जहाँ पर सेनाएं थी उनके नाम, जैसे ये काबुल इनकी भाषा में लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है कंधार। और ये एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ओल्ड टाउन का। और ये है स्विसलेज रिवर, जो कि आगे जाके एक और रिवर से मिलती है, और वो जो बड़ी रिवर है वो रिवर जाती है आगे यूक्रेन तक, और उस रिवर का नाम है नीपर रिवर। सो भाई अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा ओल्ड टाउन को देखने, जो कि है रिवर के दूसरी साइड। और ये कार खड़ी है देखो यहाँ पर, ओल्ड कार, डोनेट फॉर ग्रैंड पास कार रिस्टोरेशन। ये भाई ओल्ड टाउन अंदर से कोबल स्टोन वाली सड़कें यहाँ पर। और ये इतना हैरान हो रही है हमारी गाइड है, कह रही पीपल स्टिल लिव हेयर, इनको लग रहा है ये बहुत पुराने घर हैं पुराने फिर इन्होंने देखे नहीं शायद। तो भाई ये है खूबसूरत ओल्ड टाउन का सेकंड पार्ट। और यहाँ पर है ये एक मॉन्यूमेंट। ये ना बहुत सुपरस्टिशियस लोग हैं यहाँ पर बेलारूस में, तो सुपरस्टिशन ये है कि ये जो लीफ है, फर्न लीफ है, इस पर साल में एक बार ही फूल आता है, तो यहाँ पर ये छुट्टी भी रखते हैं, शायद 6 जुलाई या 7 जुलाई को ऐसे होता है, यहाँ पर एक दिन मनाया जाता है। तो जंगलों में जाते हैं इसको ढूंढने के लिए पत्ते को, और उस पर फूल आते हैं, कहते हैं साल में एक ही बार आता है, तो लोगों को मिलता है तो उनके जो है सपने सच हो जाते हैं। लेकिन वो साल में एक बार आता है और मिल नहीं पाता किसी को, तो यहाँ पर इन्होंने मॉन्यूमेंट बना दिया, और इन फ्लावर्स को टच करने से आपके सपने सच हो जाएंगे। तो ये लो जी फ्लावर को टच कर दिया है इनके, जो आप अगर नीज को टच करते हैं तो इंस्पिरेशन आपको मिलती है कुछ भी आप सोच रहे हैं उसके लिए। कैन यू टेल मी वंस अगेन, वंस यू गेट मैरिड टुगेदर विद योर हस्बैंड यू लीव द लॉक हियर एंड द की थ्रो टू द रिवर सो नोबडी कैन ओपन योर लॉक, नोबडी कैन इंटरफेयर योर लव, सो लव फॉरएवर। सो भाई ये ना बड़े सुपरस्टिशन लोग हैं, मैंने आपको बताया था, बहुत बिलीव करते हैं ये ऐसे, मतलब टोटकेबाजी में। और जैसे कि मिथिलेश भाई ने भी कल मुझे बताया, कह रहे बिल्ली रास्ता काट जाती है तो ये लोग नहीं जाते, और अगर किसी ने टोक दिया तो वापस, जैसे घर से निकल रहे हैं और टोक दिया तो वापस आके बैठ जाते हैं, और फिर कहते हैं रुक जा तूने टोका, दोबारा वापसी निकल के चलेंगे। तो ये बिलीव करते हैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में। भाई ये एक पार्क जिसका नाम है विक्ट्री पार्क, और ये विक्ट्री पार्क जो है ये सबसे बड़ा पार्क है मिन्स्क में। और यहाँ पर है एक हीरो सिटी मॉन्यूमेंट। हीरो सिटी का मतलब है कि जो वर्ल्ड वॉर से पहले सोवियत यूनियन और वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लड़े थे USSR के लिए, उन जो कुछ सिटीज़ को अवार्ड दिया गया था जो ब्रेवरी से लड़ी थी, और बेलारूस में मिन्स्क सिटी है जो हीरो सिटी के नाम से है, जिसको अवार्ड मिला था हीरो सिटी का। तो ये है हीरो सिटी मॉन्यूमेंट। तो अभी हम हैं इंडिपेंडेंस एवेन्यू पर, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रीट है यहाँ पर मिन्स्क में। और ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ये वर्ल्ड वॉर टू में ख़त्म हो गई थी, ये शहर कई बार बॉम्ब हुआ, कई बार बमबारी हुई यहाँ पर,
1941 से 1945 के बीच में, और भाई यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया था, और उसके बाद दोबारा से ये देखो इतना खूबसूरत इन्होंने शहर बना दिया। ये बिल्डिंग्स हैं 1950 के आसपास बनी हुई हैं, खूबसूरत आर्किटेक्चर, खूबसूरत बिल्डिंग। अभी हम उतरे हैं इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर, जो कि सबसे बड़ा स्क्वायर है यहाँ मिंस्क में, और ये है सामने रेड चर्च, जो कि सिंबल है मिंस्क का भी। 113 साल के लगभग पुरानी ये चर्च है। यहाँ पर एक फैमिली थी जिनके दोनों बच्चे गुजर गए किसी वजह से, उस फैमिली ने ये चर्च की जगह दान की और अपने जितने पैसे थे उसको बोला कि चर्च बना दी जाए, और जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको बोला कि यार ये जो चर्च बनाएं उसका नाम हमारे बच्चों के नाम पे रख दे। तो सेंट साइमन एंड सेंट हेलेना चर्च इस चर्च का नाम है, और ये है खूबसूरत इंडिपेंडेंस स्क्वायर। खाली खाली इसलिए लगेगा आपको क्योंकि यार आबादियाँ ही नहीं है यहाँ पर इन देशों में, इसलिए भीड़ भी नहीं है। इंडिपेंडेंस स्क्वायर के नीचे एक शॉपिंग मॉल, और ये सारी जो भी बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी जो आपको दिख रही हैं, ज़्यादातर बिल्डिंग्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंगें हैं और मिनिस्ट्री वगैरह की बिल्डिंगें हैं यहाँ पर। ये मेन सेंटर है यहाँ का मिंस्क का, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। ये है बेलारूसियन पार्लियामेंट, और ये है मिस्टर लेनिन का मॉन्यूमेंट यहाँ पर, और ये बिल्डिंग 90 ईयर्स पुरानी थी, और ये बिल्डिंग सर्वाइव कर गई थी वर्ल्ड वॉर टू में। क्यों कर गई थी, उसका कारण ये था, जो भी नाजी सेना थी उसका ये हेडक्वार्टर था उस टाइम में, वो यहाँ आकर रुके थे, इसलिए ये बिल्डिंग बच गई थी। और ये सामने बिल्डिंग है बेलारूसियन स्टेट यूनिवर्सिटी की, जो बेलारूस की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और बहुत ही फेमस है, और ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी भी यही है। और एक ये जो बिल्डिंग है ये भी एक यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, और ये है गेट ऑफ मिंस्क। दो बिल्डिंग है, जहाँ भी आप बेलारूस मिंस्क को देखोगे बिल्डिंग्स आपको ज़रूर दिखेंगी। ये एक पहचान है मिंस्क की, बेलारूस की। और मिंस्क गेट के बिल्कुल सामने है मेन रेलवे स्टेशन, सेंट्रल रेलवे स्टेशन ऑफ मिंस्क। अगर आप KFC और बर्गर किंग वगैरह के शौकीन हैं तो आपको बिल्कुल सेंट्रल स्टेशन के सामने ही ये सारे जो आउटलेट्स हैं वो मिल जाएंगे। सो भाई अभी हम एक जगह पे आए हैं जहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स, ग्राफिटी देखने को मिलेंगी। पहले ये जो जगह थी वो एक इंडस्ट्रियल एरिया था, खाली फैक्ट्रियाँ हो गई थी क्योंकि पुरानी हो चुकी थी, फिर इन लोगों ने इसे पेंट करवा दिया और ये एरिया हिट हो गया। इसकी वजह से ये यहाँ पर स्टूडेंट्स के बीच में बहुत पॉपुलर है, और यहाँ पर बहुत सारे बार एंड कैफ़े हैं। अगर आपको यहाँ आना है तो ये भाई इस जगह का नाम है कास्त्रिया क्ला, बेलारूसियन में जो भी लिखा है ये प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना। और ये भाई बिगेस्ट आर्ट यहाँ पर बेलारूस, और वन ऑफ द बिगेस्ट इन यूरोप। इन्होंने अपने नेशनल जो बर्ड है और नेशनल जो एनिमल है बाइजन, उसकी लगाई है। स्टॉर्क इनका नेशनल बर्ड है वहाँ पे, और ये नेशनल जो इनके साइंस वगैरह है वो, और यहाँ पे लिखा हुआ है इसका नाम स्ट्रीट ऑफ लव भी, और अक्टूबर स्ट्रीट के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये जो स्टेयर्स आप देख रहे हैं ये बहुत बिजी रहती है फ़ोटो खिंचवाने में, और यहाँ पर शाम को स्टूडेंट्स वगैरह बैठ जाते हैं भाई। अब हम जा रहे हैं मेट्रो में, और ये स्टेशन देख के ना और ये ट्रेन देख के मुझको नॉर्थ कोरिया की याद आ गई। बिल्कुल सेम ऐसी ट्रेन थी वो, अगर आपने देखा हो नॉर्थ कोरिया वाला पार्ट, और बिल्कुल ऐसा ही स्टेशन था। सामने बस फोटोज़ लगी थी वहाँ के लीडर्स की, सेम वैसा ही स्टेशन है भाई। यहाँ से हम चेंज करने लगे हैं मेट्रो। मेट्रो स्टेशंस में कहते हैं कि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अलाउ नहीं है, तो जैसा है वो देख लो भाई। और मेट्रो की टिकट है लगभग एक बेलारूसियन रूबल, और एक मेट्रो टिकट में आप कहीं भी जा सकते हैं जितनी मर्जी देर। मैंने पूछा इनसे, मैंने कहा लड़कियाँ बहुत सारी दिख रही हैं यहाँ पर, लड़के कम, तो यहाँ पर जो रेशो है वो है 9 लड़कों पे 10 लड़कियाँ। सो मैन आर इन डिमांड, राइट, मैन इन डिमांड फॉर 9, या मैन वी हैव 10 वुमेन। तो भाई लड़कियाँ बहुत है, लड़कियाँ ही दिखती हैं। और यार बच्चे बहुत अच्छे, लोग बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत देर से देख रहे हैं। हेलो ब्रदर, हेलो डियर। भाई ये बेलारूसियन मेट्रो आप देख लो, स्टेशंस के जो नाम है ना शायद वो लिखे हुए हैं बेलारूसियन और रशियन में, और लेकिन आप इन नंबरों से स्टेशन को पहचान सकते हो किस स्टेशन पे आपको जाना है। ट्रेन में भी डिस्प्ले पे ऐसे ही आ रहा था लिखा हुआ बेलारूसियन और रशियन में, लेकिन वहाँ पर नंबर भी आ रहा था, तो आप नंबर से अपना स्टेशन पहचान सकते हैं कभी आप मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं बेलारूस में, मिंस्क में। तो सो भाई अभी हम पहुँचे दाना मॉल, जो कि मिंस्क का बिगेस्ट मॉल है, और अंदर जाएंगे, यहाँ एक इंडियन रेस्टोरेंट है खाना खाने।
तो भाई यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट तो मिला नहीं, दाना मॉल में एक कोई था, वो पैन एशियन टाइप है, तो हम बैठ गए हैं अभी एक बेलारूशियन ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट में जिसका नाम है बसिल्की। बहुत ही फेमस है, मैडम ने बताया ये चेन जो है, और भाई बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट है ये, दाना मॉल में है ऊपर। सो भाई माता के लिए तो वेज खाना था, तो ये पोटैटो पैनकेक और द्रनिकी, मतलब यहाँ की जो फेमस डिश है, नेशनल डिश कहते हैं द्रनिकी, द नेशनल द्रनिकी। They love potato in Belarus. भाई Belarusians को potato खाने वाला देश कहते हैं, और ये national dish भी है Belarus की। And what you order? It's dumplings. Dumplings. Yeah. I personally love it. और भाई हमने मंगाया chicken schnitzel. Smashna. It means enjoy your meal in Belarus. Enjoy your meal in Belarus. मम्मी देख देख मम्मी कह रही है परियां हैं, ये परियां हैं, इतनी सुंदर हैं, सब परियां हैं। तो भाई अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ये खा सकते हैं, इनका द्रनिकी बहुत ही टेस्टी है। माता कैसा है? बहुत टेस्टी है भाई, एक वेजिटेरियन ने आपको कह दिया बहुत टेस्टी है। ये कैसा है आपका चिकन? बढ़िया भाई, खाना भी ना बहुत अच्छा है यहाँ का, मतलब लोकल ट्राई ज़रूर करना चाहिए हमें। इंडियन रेस्टोरेंट्स में तो हम जाते ही हैं, हर जगह इंडिया में इंडियन ही खाते हैं हम। खाना हमने खा लिया है और जूलिया जो हमारी गाइड थी वो जा चुकी है, और बिल आया है 83 बेलारूशियन रूबल, यानी कि लगभग 2400 भारतीय रुपए, जो कि चार लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं फिर कहूँगा सेफ कंट्री है, और अभी तो बहुत सस्ती है भाई अगर यूरोप के हिसाब से। मैं लास्ट अभी यूरोप हो गया था, स्विट्ज़रलैंड इटली वगैरह, ये मतलब तीन गुना सस्ती है उनसे, और खूबसूरत सेफ कंट्री है। डैडी कह रहे हैं कि कबूतर उड़ते नहीं, क्या पर तोड़ रखे हैं इनके, पर नहीं तोड़ रखे हैं यहाँ के कबूतरों को, कोई खाता नहीं भाई, इसलिए देखो उड़ गया। पॉल्यूशन नहीं है भाई, भीड़ भाड़ नहीं है बहुत ज़्यादा, रोड्स पे भीड़ नहीं है, ट्रैफिक नहीं मिल रहा, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह से। आपको बाय बाय इस वीडियो के लिए, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।